व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्राइडल ब्लाउज। काफ़ी यूनिक है, काफ़ी एंटिक काम है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखो और वीडियो देखते ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो पहले आप लेंगे बैटम शीट, 20 रुपीज़ पर शीट मिल जाती है आपको स्टोर पे। और उसके बाद लेंगे हम शुगर बीट गोल्डन कलर का, ठीक है। ये मीडियम साइज़, इससे बारीक साइज़ भी आती है, पर आपको मीडियम साइज़ लेना है। अगर सीख रहे हो या फिर कोई भी वर्क कर रहे हो तो मीडियम साइज़ का ओके है, आपके निडल में आराम से आ जाता है। उसके बाद हम निडल लेंगे, वो है वुडन निडल, ठीक है, 8 नंबर, और गोल्डन कलर का पॉलिस्टर धागा, ठीक है। ये आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, तो 200 नंबर मिल जाएगा आपको धागे का, और निडल का नंबर है वो 8 नंबर है। और ये वुडन निडल है, आप आयरन में भी ले सकते हो, सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं करना क्या है। पहले पहले क्या करना है आपको, जितने भी सब लाइंस है, सब लाइंस में आपको पहले आउटलाइंस मार लेनी है, बाहर से भी इसको बांध देना है। जो हम लोडिंग मारेंगे, पहले हम जितना भी लाइंस हमको दिख रही है सब में हम लोडिंग का आउटलाइंस मार देंगे शुगर बीट्स की। काफ़ी क्लोजली मारेंगे, चिपका के मारेंगे, ठीक है। आपको चिपकाने के लिए हल्के से नीचे से आपको हाथ को खींचना होगा, तो आपका जो बीट्स है वो चिपक जाएगा ईजिली। जब आप कैरी मार रहे हो, कैरी के बाद जब अंदर का काम कर रहे हो ना, उसका आपको जगह छोड़ना है, इतना जगह छोड़ना है कि आपका लोडिंग इजीली आ जाए, यानी कंफर्टेबली आपका जो है लोडिंग आ जाए उसके अंदर, उतना जगह आपको छोड़ देना है। फिर क्या करना है आपको, जितनी भी आपकी घुमेर दिख रही है, जितनी भी आपके लाइन्स दिख रहे हैं, उस लाइन्स पर आपको जो है अपना शुगर बीट्स मारना है। शुगर बीट पहले कंप्लीट कर लोगे तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि अंदर आप काम भरने वाले हो, तो आपको शुगर बीट्स के सारे लाइन्स को पहले आउट लाइन्स मार लो। घुमरी हो गई, लाइन्स हो गई, सारे लाइन्स में आप शुगर बीट मार लेंगे। लाइंस काफ़ी स्ट्रेट रहेंगे, हम काफ़ी लहराते हुए लाइन नहीं मारेंगे, यही फिनिशिंग का मेन होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप लाइंस को काफ़ी चिपका के मारें और फिनिशिंग में मारें, तो आपकी लाइंस की काम जो है अपनी बहुत फिनिशिंग दिखती है, खूबसूरत दिखता है। तो ऊपर साइड में आप क्या दिख रहा है आपको, ऊपर साइड में दो हम लोडिंग मार रहे हैं, ठीक है। वो लोडिंग कैसे मार रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं एक पैटर्न दिए है हमने बीट्स का, उस बीट्स के पैटर्न के ऊपर भी हमने लोडिंग मार दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर में सिर्फ लोडिंग दिया हुआ है और कहीं लोडिंग नहीं है। तो आप डिज़ाइन बना रहे हो तो इस काम को आप कॉपी कॉपी करके, यानी कि पेपर ट्रेसिंग पेपर बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम लेंगे हम जरदोजी एंटिक गोल्ड की दयाल जी की 47, काफ़ी अच्छी कलर होती है, काफ़ी अच्छी इसकी शाइनिंग भी होती है, तो आपको ये कलर यूज़ करना चाहिए। तो करेंगे क्या, फर्स्ट हम इसकी जो लोडिंग होती है, पत्ती की लोडिंग होती है, कैरी की लोडिंग होती है, सब में हमको जरदोजी मारनी है, ठीक है। तो पहले हम पैटर्न देंगे सेम कलर का, यानी कि सेम साइज़ का देंगे हम, जो हमने कटिंग किया था वही सेम साइज़ भी है इसमें, और जो उसमें लोडिंग भी मार रहे हैं हम, जरदोजी की भी मार रहे हैं, दयाल जी की 47 की। कैसे मार रहे हैं, काफ़ी चिपका के मार रहे हैं, काफ़ी फिटिंग मार रहे हैं, ठीक है। आपका फिटिंग नहीं होगा तो आपका जो जरदोजी गिर जाएगा नीचे, जो कि ख़राब भी दिखता है। तो आपको जरदोजी की जो लोडिंग है फिटिंग मारनी है। मैं आपको बता दूं कि आप आरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा हमें। हमारा 17 अक्टूबर से जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, सेकंड बैच, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें DM भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 16 तारीख तक का लास्ट डेट है, तो जिसको आरी वर्क सीखना है बेसिक या एडवांस, वो 16 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि हम आपका सीट कंफर्म कर सकें। लिमिटेड सीट रखा है हमने,
और बहुत कुछ आने वाले टाइम में हम कोर्सेज करने वाले हैं, तो उससे भी जुड़ने के लिए आप हमारे साथ में कॉन्टेक्ट रहें, और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो करें ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिले। और फ्री में वीडियो अगर आपको सीखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा आपके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी पत्तियों को हमने लोडिंग मार दिया, ठीक है। पूरा काम लोडिंग का ही है, पर हर जगह पे अलग अलग लोडिंग्स मारी है। जैसे कि पत्तियों में मारी है लोडिंग, ठीक है, क्रॉस लोडिंग, और जो ऊपर साइड पे जो पत्ती बनी है उसमें स्ट्रेट लोडिंग मारी है। तो स्ट्रेट लोडिंग मारने का तरीका बिल्कुल सेम है जिसे हम स्लिपिंग लोडिंग मारते हैं, वैसे सेम रूट्स में भी टेक्निक सेम होता है, पर उसमें टाका अपने को कैसे निकालना होता है कि हमारा जो जदोजी है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट आए, ठीक है, यहाँ वहाँ ना जाए, स्ट्रेट आए और फिनिशिंग में घना दिखे, तो उसके लिए अलग से टाका निकाला जाता है, ठीक है। पत्तियों की लोडिंग की मतलब को मारना है कैरी के अंदर की लोडिंग, ठीक है। उसके लिए आप सेम कलर का आउटलाइन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और उठाना है तो आप नक्शी भी ले सकते हो, पर इसके अंदर आपको धागा यागा कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको मटेरियल यूज़ करना है, चाहे आप बीट्स यूज़ कर सकते हो, चाहे आप नक्शी यूज़ कर सकते हो, चाहे अब जरूरी से जो हम सेम सिल रहे हैं स्टिच कर रहे हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट इसमें यह होता है कि हम सेम यूज़ कर रहे हैं, ये कभी हमारा चालू हो गया, ठीक है, कहीं गैप दिख गया तो नीचे अगर आपका वर्क जो सेम रहेगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप उसके अगर धागा यूज़ कर रहे हो, वाइट कलर का धागा यूज़ कर रहे हो, आपका वाइट धागा दिख जाता है, आपकी जो लाइंस है लोडिंग है चालू हो जाती है, तो वो चीज़ ख़राब दिखता है। आपको वन साइड से लेके जाना है वर्क को, ठीक है, चाहे ऊपर से लेके जाओ चाहे नीचे से लेके जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है कह रही हूँ मैं, पर ऊपर से लेके जाओगे तो बेटर है। तो उसको एक साइड से आपको सेटिंग करना ही होगा, और उसके बाद आपको करना है नीचे वाला काम, उसमें भी आपका स्ट्रेट यानी कि क्रॉस लोडिंग ही चल रहा है आपका। कैसे, आपको उसमें डबल पैटर्न देना, जगह के हिसाब से आपको पैटर्न देना, जहाँ जगह आपका ज़्यादा है वहाँ पर आप डबल पैटर्न दें। उसकी खासियत ये होती है कि आपका जो वर्क होता है वो फिटिंग होता है। ठीक है, जी बीच में जो बना हुआ है हमारा फ्लावर, ठीक है, उसमें हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे स्लिपिंग लोडिंग देंगे हम। तो स्लिपिंग लोडिंग देने के लिए हमको पैटर्न चाहिए, हम दो पैटर्न दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी आसान होगा इसके लिए हमको स्लिपिंग लोडिंग करना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक नक्शी भी दे सकते हो, कोई इशू, नक्शी बड़ी बड़ी होती है जदोजी के मुकाबले में, तो आपका एक दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, पर अदरवाइज आप सेम दे रहे हो जदोजी तो आप दो दें ताकि आपका फिटिंग अच्छे से आए। तो स्लिपिंग लोडिंग के लिए हमको जो मटेरियल कटना है वो जो काफ़ी बारीक साइज में काटेंगे ताकि हमको फिनिशिंग में करने मिले, ठीक है। लोडिंग मारने के तो आपको फिर आउटलाइन मार देनी है, ठीक है, उसको बांध देना जरदूजी से। फिर इसके बाद आपको लेना है टू तार निडल, ठीक है, आपको क्या करना है, अंदर का जगह है आपको भरना है, उसको थोड़ा उठाना है, 3D करना है। तो उसके लिए आप क्या कर यूज़ कर सकते हो, रेशम यूज़ कर सकते हो, धागा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको अंदर साइड में भरना है आपको, जिससे आपका काम थोड़ा उठावा दिखे।
तो आपका रेशम का मार्केट कंप्लीट आपका जो 3D हो जाएगा, उसके बाद आपको लेना है जरदोजी, ठीक है। आप अलग अलग साइज़ में काट लोगे, जैसे आपका जगह रहेगा वैसे आप साइज़ वहाँ पे डालोगे, ठीक है। जैसे आपका जो है प्रॉपर तरीके से आपका जो है वो अंदर कैरी के अंदर की जो फ्लावर की जो मेन डायमंड शेप है, यानी कि जो पान शेप होती है, उसको क्लियरली आप करते हुए जाओगे। अब देखो आप स्टार्ट करने के लिए ना जहाँ से नोक होती है, ठीक है, आपको वहाँ से पकड़ना चाहिए, वहाँ से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो जो हम लाइंस को यूज़ कर रहे हैं एक साथ में निडल में भरने रहे, एक एक करके हम उठा रहे हैं, एक एक करके हम डाल रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, आपको लाइंस जगह के हिसाब से ही डालनी चाहिए धीरे धीरे करके, एक एक करके, ठीक है। उसके बाद हमको लेना है जरी, गोल्डन जरी लेना है नटवर लाल का 300। उसमें आपको जरी की जो है आउटलाइंस मारनी है, जितने भी आपने वर्क किया है ऑल वर्क को आपको बांध देना है, ठीक है। ज़्यादा फिनिशिंग हो जाएगा उससे, वर्क आपका हैवी होता है लुक, इसमें थोड़ा काम भी आपका हैवी होता है, बट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता आउटलाइंस में, पर आपका काम जो है ज़्यादा निखर जाता है। पत्तियों को आप जब चिपका के, यानी कि आउटलाइंस में आप जब मार रहे हो जरी, काफ़ी चिपका के मारेंगे, ठीक है, शादी के पास, जरदोजी के पास से भी और बीड्स के पास से भी, ताकि आपका जुड़ावा यानी कि करीब से दिखे। और टाका भी निकालोगे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं निकालना है, और टाका आपको एक ही साइज़ में निकाल लें तो आपका फिनिशिंग दिखेगा। फिर उसके बाद लेना है आपको बीट्स 4 नंबर का, गोल्डन मैग्नम बीट होता है, ठीक है, पर्ल, तो उसको आपको लेना है 4 नंबर का। और उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बीट्स लेना है, शुगर बीट्स, उसमें डाल के आपको ऊपर साइड में उसको रखना है, ठीक है, जिसका लुक है वो काफ़ी बेहतरीन आएगा। उसको टाँकना है इस तरीके से, आप नीचे का पहले स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको टाँक सकते हो। जहाँ जहाँ आपकी बीट्स की यानी कि पर्ल की जगह होगी वहाँ पे आपको उसको भर देना है। फिर आपको जगह लगता है वहाँ पे आप छीटा मार सकते हो, नहीं भी मारोगे चलेगा, कोई बात नहीं, आपका जो लुक है वो भी अच्छा आएगा। तो ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और घंटी के बटन को दबाना होगा, जिससे आपको वीडियो हमारी हर टाइम मिलेगी और आप कुछ नया सीखेंगे हमसे, कुछ यूनिक सीखेंगे।
हम इस तरीके से सिखाते हैं कि आपको काफ़ी दिमाग में इजीली माइंड में आ जाएगा और हमारे वर्क को देख के आप इजीली सीख जाओगे। तो ऐसे ही वर्क को सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।